आज नाश्ता ना बिल्कुल हल्का फुल्का कर रहे हैं। कासम भाई स्लाइस खा रहे हैं विद ब्रेड। ये पकड़ लो, एलेक्स की है। सैनिटाइजर कंपलसरी थिंग। बस हम निकल रहे हैं। यहाँ से टिकट्स मिलती है। हम आए हैं खेवड़ा साल्ट माइन, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान में नमक सप्लाई होता है, नमक निकलता है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट पैदल भी अंदर जाया जाता है। पैदल अंदर जाने के लिए टिकट है 400 रुपये की। अगर आपने ट्रेन पे जाना है, ट्रेन पे जाती है 600 रुपये की टिकट है। बच्चों के लिए 200 रुपये की टिकट है। यहाँ पर पाई जाने वाली हर चीज़ नमक की है, हर चीज़। ये गार है, इसके अंदर से हमें ट्रेन लेके जा रही है। ये गार चारों तरफ नमक की है, पहाड़ की है, नमक की कान है। इसके अंदर से हम जा रहे हैं। जब बाहर से काफ़ी लोग का ग्रुप बन जाता है तब वो अंदर लेके आते हैं तकरीबन 10-15-20 ट्रेन के ऊपर। जब ट्रेन फुल हो जाती है तो यहाँ अंदर ला के यहाँ छोड़ते हैं। वहाँ पे गाइड है, वो ब्रीफ देता है कि यहाँ पर यही चीज़ें हैं। लाइक वो उसने बताया कि 150 साल से यहाँ से नमक निकाला जा रहा है, और पाकिस्तान से अलावा आउट ऑफ दूसरी कंट्री में जा रहा है। और 7-8 टाइप का यहाँ पर नमक है और डिफरेंट टेस्ट हैं। और अभी तक उसने बताया कि अंदाज़े के मुताबिक 20% भी इसमें से नमक इस कान से अभी नहीं निकाला गया। दुनिया की लार्जेस्ट कानों में से एक कान है ये। ये सारा नमक है, ये नमक है। आई मीन ये अब सोच रहे हैं कि पहाड़ के अंदर गार है, नो इट्स नमक, साल्ट की गार है। इस पानी से सर सर्फ साबुन और शैम्पू बन रहे हैं। इस पानी की सर खास बात कि अगर अल्लाह ना करे कि इसके अंदर कोई गिर जाए तो डूबता नहीं है जी, क्योंकि सर नमक का भारी पानी है। लेकिन हम किसी को खुशी से भी छलांग नहीं लगाने देते। आप लोग सर 10 मिनट से ज़्यादा इसके अंदर नहीं रह सकते। जो आपके जिस्म के अंदर नमकियात होगी वो पानी खींच लेगा जी। एमरजेंसी में आप लोगों को ड्रिप लगवानी पड़ेगी, क्योंकि वह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप ये देखें सर, इस तालाब से सर पानी को निकाल लिया गया है, क्योंकि इन तालाबों का पानी सेपेज करके नीचे जाता है। सर हमारे रोडों को नुकसान पहुंचा रहा है, जहां से हम ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए ऊपर की तरफ नमक लेके आते हैं। अभी सर थोड़ी देर के बाद आप लोगों को गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। ये गाइड भाई हैं जो गाइड कर रहे हैं। जी जी बोलूंगा। जो सर इस माइन का वेदर होगा वो ऑपोजिट होगा, बाहर जितनी गर्मी होगी अंदर इतनी ठंड होगी, बाहर जितनी ठंड होगी अंदर इतनी गर्मी होगी। ये दुनिया की सर दूसरी बड़ी माइन है और एशिया की पहले नंबर पे है जी। जो दुनिया की सर पहले नंबर पे है वो पोलैंड के अंदर है, क्राको सॉल्ट माइन। निकाल रहे हैं यहाँ पे सर जो डेली नमक की प्रोडक्शन है वो 1500 मेट्रिक टन है। यहाँ पे सर जो लेबर काम कर रही है उसकी तादाद है 1000। मस्जिद को बने हुए 50 साल हो गए। मस्जिद का नाम मजदूरों की बादशाही मस्जिद। यांब पानी यांब यांब
मीनार पाकिस्तान की शेप बनी हुई है पूरा नमक का सॉल्ट का, यहाँ पे हर चीज़ पाई जाने वाली सॉल्ट की है। इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। पानी चारी बात है सर, जो भी है ना ये दीवार बनी है, पिलर्स बने हुए हैं ना नमक की। आपको लग रही है ईंटें हैं, नहीं ये नमक है। ये ऊपर, ये साइडों पे, ये हर तरफ, ये नीचे, ये सॉल्ट ही सॉल्ट है। इस प्लांट का नाम है फुहारा चौक, इसके अंदर ही है। तो दिखाता हूँ फुहारा चौक कैसा है। नमक है, नमक के ऊपर उन्होंने डिज़ाइंस बनाए हुए हैं, कुछ पानी है, नमक का ही स्टेज बना हुआ है और सारा नमक है। लाइटिंग कुछ लगी हुई है, बाकी ये सारा नमक है। टोटल सो ब्यूटीफुल। एक एहसास ये भी है जी, आप लोग घर में जितनी मर्जी हांडी बना लें, तरह तरह के मसाले डाल लें, अगर उसके अंदर चुटकी भर नमक नहीं होगा तो उसका मज़ा नहीं होगा जी। ये हमारा मरी पॉइंट, यहाँ पे मेरी लाइट, वहाँ पे बर्फबारी होती है, यहाँ पे सर नमक बारी होती है। अभी सर हम लोगों ने जो ब्रिज क्रॉस करनी है जी, उस ब्रिज के नीचे ना कोई गार्डर है ना कोई सरिया, टोटल नमक की ब्रिज है। ब्रिज का नाम है पुलिस रात। क्रॉस करेंगे नमकीन जन्नत के अंदर। कल तक यही नमक आप लोगों के पेट में गर्दिश करता था जी, आज आप तमाम लोग नमक के पेट में गर्दिश कर रहे हैं। ये जो सारे साइड का दीवार है, एक उंगली से टच करेंगे मीठा टेस्ट आएगा, दूसरी से टच करेंगे नमकीन जी, चेक करें जी। एक से जिस दीवार पर मेरी लाइट है जी, एक से मीठा एक से नमकीन, चेक करें। जब जिनकी शादी नहीं हो रही उनकी शादी सर, एक से मीठा एक से नमकीन। अभी दोनों क्वेश्चन का आंसर सुन लें जी, आप लोग नमक के अंदर है, नमक नमकीन नहीं होता, कभी मीठा नहीं होता। ये जो दीवारें मुलायम है जी, जो भी हमारे मेहमान आते हैं इसी तरह हाथ लगवा के सफाई करवाते हैं, दीवारें मुलायम। ये देखें जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद, ये ऊपर जहाँ पे मेरी लाइट पड़ रही है जी, ये सामने अल्लाह लिखा हुआ है जी, लाइट को फॉलो करें ऊपर जी। देखें जी सर, पत्थर एंड तक जाता हुआ दिखाई देगा, साथ आप लोगों को इनकी गहराई की भी अंदाजा हो जाएगा, ये पानी कितना गहरा है जी। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। यहाँ पे पाई जाने वाली हर चीज़ नमक की है, हर चीज़ एशिया की नंबर वन, पहले नंबर पे सबसे बड़ी कान है ये खेड़ा कान, साल्ट माइन, खेड़ा साल्ट माइन। हम यहाँ आए, हमने आपको दिखाया जितना पॉसिबल हो सका। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सारी चीज़ें, ये पूरा ये नमक का बना हुआ है, नथिंग एल्स। जिस पहाड़ के अंदर हम गए थे, सारा जो अंदर का आपको मैंने व्यू दिखाया है वो इस पहाड़ के अंदर है। नमक की जो कान है केवड़ा, वो इसके अंदर है। एशिया की सबसे बड़ी नंबर वन जो नमक की जो कान है साल्ट की, तो ये पहाड़ भी हैं इसमें इंक्लूडेड, ये भी हैं। लेकिन जिससे नमक करंटली निकल रहा है, और ये दुनिया की सेकंड नंबर पे है और एशिया की नंबर वन, और बहुत सारे एशिया के तो सब कंट्री में जाता है यहीं से साल्ट। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा हमें।